आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज, हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है और इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है, राइट? तो सबसे पहले हमारी पेरेंट चेन जो है उसमें हेक्स प्रीफिक्स या हेक्स टर्म जो है वो हमने यूज़ किया है। इसका मतलब है कि हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, प्लस यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है वो साइक्लो है, मतलब हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसमें 6 कार्बन एटम्स है। तो साइक्लिक ग्रुप जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट? अब क्या है कि यहाँ पे इन सफिक्स का यूज़ किया गया है। इन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, राइट? और यहाँ पे डाई इन ट्राई इन कुछ भी नहीं है, तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो वो डबल बॉन्ड हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और जब भी हम साइक्लो ग्रुप करते हैं तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम हमेशा डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन देते हैं। तो इसमें नंबरिंग होगी कुछ इस तरीके से, राइट? डबल बॉन्ड को हमेशा फर्स्ट पोजीशन मिलती है। अब इसके बाद हमारे पास है 3 नाइट्रो ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है जो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो थर्ड पोजीशन हमारी ये कार्बन है, यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।